गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे कुछ जानकारी शेयर करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट का मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एमवे का एप्सा 80 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का फुल रिव्यू होगा, फुल फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में जान सके, वाई यूज़ एमवे एप्सा 80 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हाउ टू यूज़, इंग्रीडियंट साइज एंड प्राइस के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जानते हैं एप्सा 80 है क्या। एमवे उत्पादन ऑफसाइट एक ऐसा बहुउद्देश्यीय स्प्रे गुणवर्धक है जो कि कीटनाशकों, फफूंदी नाशकों, खरपतवार नाशक, निष्पत्र तथा वर्णित उपग्रहों को घोल में मिलने पर उसकी कार्यशीलता बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों और फलों और सब्जियों पर लगने वाले रोगों, कीटों तथा खरपतवार की बेहतर रोकथाम होती है, जिसकी वजह से पैदावार में भारी बढ़ोतरी होती है। यह एक ऐसा गुणवर्धक है जिसमें 80% सक्रिय तत्व है तथा यह किसी भी घोल में पूर्णतः घुलकर उसकी प्रभावकता को कई गुना तक बढ़ा देता है। क्या एप्सा 80 कीटनाशक, फफूंदी नाशक या खरपतवार नाशक है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्सा 80 ना तो कीटनाशक है, ना ही फफूंदी नाशक, ना ही उर्वरक है। यह एक गुणवर्धक है जो कि कीटनाशकों और उर्वरकों को गुणों में वृद्धि करता है और जल तथा घोल के भीतर तक जाने की क्षमता बढ़ा देता है। एप्सा 80 किस तरह से काम करता है? एप्सा 80 एक विशेष तत्व है, नॉन ऑर्गेनिक सल्फेटेस होते हैं जो कि पानी के सतही तनाव को तोड़ देते हैं। यह तत्व पत्ते की सतह पर पानी और मोम चिकनेपन को एक साथ खींचकर पानी के बूंद को में बदलने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाते हैं, यानी कि पानी की सतह पर तनाव को कम करके पानी की बूंदों को फैला देते हैं, जबकि कीटनाशकों का छिड़काव में इस्तेमाल किए जाने वाला ज़्यादातर इकट्ठा ढंग से फैलता है। तो कीटनाशकों का फैलाव भी कहीं अधिकतर बेहतर रहता है। एप्सा 80 की मिलाने से कीटनाशक नियंत्रण और प्रवृत्ति उर्वरता के पत्ते की सतह के गहरे तक और ज़्यादा इकसार तरीके से पहुँचते हैं। एप्सा 80 का उपयोग कैसे करें? कीटनाशक, फफूंदी नाशक, फूडियर खाद और निष्पत्र के साथ छिड़काव टंकी के कीटनाशक, फफूंदी नाशक, परवर्ती उर्वरक, निष्पत्र का पानी के साथ घोल बनाएं। उत्पादक के निर्देशक का पालन करें। कीटनाशक या फूलियर खाद के प्रति 15 लीटर घोल में 5 ml एप्सा 80 मिला और फसल पर सामान्य रूप से छिड़काव कर दें। उग्रम उपरांत खरपतवार के साथ नदी नाशक के साथ छिड़काव टंकी में उग्रम उपरांत खरपतवार नाशक का घोल बनाएं। उत्पादक के निर्देशन का पालन करें। उग्रम उपरांत खरपतवार के प्रति 15 लीटर घोल में 20 ml एक ढक्कन एप्सा 80 मिला, फसल पर सामान्य रूप से छिड़काव करें। सिंचाई सहायक के रूप में गल्फ के कोस का उपयोग के लिए कम से कम 80 लीटर प्रति एकड़ पानी में 160 ml 8 ढक्कन एप्सा 80 मिलाएं। 80 लीटर प्रति एकड़ अधिक पानी का उपयोग पर भी एप्सा 80 की मात्रा 160 ml प्रति एकड़ ही रहेगी। सिंचाई के 12 घंटे पहले पानी और एप्सा 80 की इस घोल को सीधे होने वाली साड़ी जमीन पर सीधा छिड़काव दें, मिट्टी पर सीधे छिड़कें। अब सिंचाई करें और देखें कि पानी मिट्टी में न सिर्फ अधिक भीतर तक जाता है बल्कि बेहतर फैलता भी है। उपलिखित एप्सा 80 का छिड़काव लगभग 4 हफ्ते तक प्रभावित रहेगा, फिर 4 हफ्ते बाद सिंचाई के लिए फिर से उर्वरकी का क्रिया को दोहराएं। एमवी का एप्सा 80 कहाँ मिलेगा? तो www.mv.in पे आपको ये इस प्रोडक्ट वहाँ से मिल ले सकते हैं, या आपके नियरेस्ट या आपके आसपास कोई भी एमवे के डायरेक्ट सेलर है जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे ले सकते हैं। जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया उनसे ज़रूर लीजिए, एमवे का बिल ज़रूर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर लीजिए। क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करके क्यों बोल रहा हूँ या बिल लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी और ऑलरेडी मैं इस बिजनेस को कई सालों से करता आ रहा हूँ। तो मुझे एक अपने कस्टमर ने कहा कि उनको वहाँ पे सस्ते रेट में ये प्रोडक्ट मिलते हैं, तो फिर मैंने उनका नंबर लिया और मैं ये कस्टमर बन के उस पर्सन से मैंने पूछा कि आपको क्या रेट में या क्या चीज़ लेते हैं। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहूँगा स्क्रीनशॉट। फिर मैंने जब उस पर्सन से बात करने की कोशिश की, पहले मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, फ़ोन पे बात करने के बाद उन्होंने मुझे 3800 बताया, जो कि मेरे दोस्त को 3400 में वो 200 केन, यानी उन्होंने बताया कि 270 केन तक वो बेचते हैं 1 month में। तो समझ सकते हैं 270 केन का लगभग 13 लाख के रुपीस आसपास इनका अमाउंट होता है, तो वो फ्रॉड जो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मैंने जब उनसे बोला कि मुझे ये कैन चाहिए, तो उन्होंने मुझे 3800 बताया। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मुझे फ़ोटो भेजिए और ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा क्या, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने क्या क्या बात की मैं आपको व्हाट्सअप में शेयर करना चाहता हूँ। सो पहले उन्होंने मुझे नमस्ते शेयर किया, फिर उन्होंने प्रोडक्ट का पिक भेजा, उसके बाद उन्होंने 4200 रुपये एक केन विथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ओके। फिर बिल चाहिए तो 5040 रुपये आपको लगेंगे एंड अदर इन्फॉर्मेशन के, उन्होंने मुझे कॉल करने के लिए बोला। फिर मैंने उनको कहा ओके सर जी, सर अगर मैं बिल लूँ तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा क्या? मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा जी सर लगेगा ज़रूर। कितना चार्ज लगेगा सर, मैंने उनसे पूछा। फिर तो उन्होंने कहा कि वो मैं डीलर से पूछ के बताता हूँ। तो सर पहली बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, डीलर यहाँ पर कोई होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर सब होते हैं और डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट कभी भी कोई डीलर यहाँ पर होता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं।
तो अगर सच्चा होता और सच्चा इंसान होता या अच्छे प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचता तो कभी ये बात बोलता नहीं। फिर मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आपको कितना कैन चाहिए, मैंने बोला 2 कैन चाहिए 5 लीटर का, तो 1 कैन 4045, ट्रांसपोर्ट चार्ज 600 रुपया। अब समझ सकते हो जो प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है MRP है 5441 रुपया, वो मुझे 5645 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज बता रहे हैं, जबकि आप अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हों तो डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज 5085 रुपीस में ऑल इंडिया कहीं भी डिलीवर हो जाता है ये एमवे का प्रोडक्ट जो आप साइट ही है। फिर मैंने उनको बोला ओके सर जी मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है बिल के साथ। तो देखिए जो बंदा आपको बिल नहीं दे रहा वो आपको 100% डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि आपको बिना बिल का कम रेट में मैं देता हूँ, आपके वहाँ पे ज़्यादा रेट में इसे बेच सकते हो। तो देखिएगी कि कोई भी जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो एक MRP पे बिकेगी, ज़्यादा रेट पे बिकेगी भी नहीं। और अच्छा प्रोडक्ट कभी सस्ता नहीं मिलता और सस्ता प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं मिलता। ओके सो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं कितना में सेल कर सकता हूँ सर अगर मुझे ये करना चाहूँ तो। तो उन्होंने कहा कि आपके वहाँ कितना रेट चल रहा है उस हिसाब से आप देखना, वैसे तो हम बिल किसी को ही नहीं देते। आप समझ सकते हो कि जो बंदा आपको बिल नहीं दे रहा वो प्रोडक्ट हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, आपको सब कुछ सेम दिखेगा बट प्रोडक्ट वो डुप्लीकेट, उसके अंदर आप कुछ भी बढ़ा के वो बेच रहा, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। लेकिन देखते हैं, उन्होंने फिर कहा लेकिन देखते हैं मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ बिना बिल के, हम ज़्यादा भेज देते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं बोला ओके सर आपको बताता हूँ सर MRP कितना है 5 लीटर में। तो उन्होंने बताया 4045 रुपया। तो ये 4045 MRP है ही नहीं, रिसेंट प्रोडक्ट का MRP है 5441 रुपया। फिर उन्होंने कहा कि मैं बोला ओके सर सॉरी। फिर उन्होंने कुछ देर बाद यानी आप देख सकते हैं टाइमिंग 13:40 यानी 1:40 में मैंने बात की थी, फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया यानी 2:46 पे, लगभग 1 घंटा के आसपास उन्होंने बाद मुझे रिप्लाई किया कि सॉरी सर हमारे डीलर ने कहा है आपको वहाँ से ही लीजिए, उन्होंने कहा पे हम यहाँ से नहीं दे सकते, ऑनलाइन में आपको 5045 में मिल जाएगा। और मैंने कहा ओके सर कौन से वेबसाइट में मिलेगा, मैंने ये भी पूछा, फिर उन्होंने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो आप देख लीजिए कि जेन्युइन प्रोडक्ट कभी भी आपको सस्ते नहीं मिल सकते, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट कभी सस्ते नहीं मिलेंगे और सस्ते प्रोडक्ट कभी भी ओरिजिनल नहीं मिलते। ओके सेकेंड, आप जिससे भी प्रोडक्ट ले बिल जरूर ले, बिल लेने से आपको ये फ़ायदा होगा। फर्स्ट फ़ायदा आपको होगा कि वहाँ पे आपको रजिस्टर करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आपको फर्स्ट वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है जो जिसकी जैसे कि 5 लीटर की कॉस्ट है 5441 रुपये, वो आपको मिलेगी 5085 रुपये में। ओके ये फर्स्ट मिले, उसके बाद वहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स जमे होते हैं, कंपनी आपको उसमें भी पैसा देते हैं, तो हमेशा आपको वहाँ पे भी जब भी परचेस करें वहाँ से पैसा मिलेगा। तो ये है फन। एंड थर्ड है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको खेती के लिए बेहतर होगा, आपके फसलों के लिए बेहतर होगा। तो जेन्युइन प्रोडक्ट हमेशा लीजिए। और इसकी मैं अगर कॉस्ट की बात करूँ तो एमवे का जो वेबसाइट कहाँ मिलेगा तो www.mb.in पे मिल जाएगा। इसकी MRP की बात करूँ तो या जिन्होंने वीडियो शेयर किया उनसे ज़रूर लीजिए कि कैसे मुझे ये प्रोडक्ट मिल सकता है, और जिन्होंने अगर नहीं मिला तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे हो सके तो मैं आपकी सहायता कर सकूँगा। ओके अगर मैं प्रोडक्ट की फर्स्ट की बात करूँ जो 500 ml की आ रही है हमारी 786 रुपये, रिसेंट प्रोडक्ट का MRP 786 रुपया, वो आपकी अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो 734 रुपये मिलेगा, यानी 5 ml की कॉस्ट 7.34 रुपये प्रति पंप, यानी एक पंप पे आपको 7.34 रुपये खर्च हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है ये प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा लाभ देता है। यानी 3 रुपये की अगर आप अपसाइट खर्च कर रहे हो तो आपको 50 रुपये तक का लाभ होता है। इन सेकेंड, हमारे पास 1 लीटर का जो डब्बे आते हैं उसकी MRP है आज 1276 रुपये, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करें तो 1192 रुपये मिलेंगे, एंड 5 ml का कॉस्ट पड़ता है 5.96 रुपये प्रति पंप। देन 5 लीटर कि आप अगर अपसाइट लेते हो जिसकी MRP है 5441 रुपये, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ्री है, जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिन्होंने वीडियो शेयर कम से जरूर किए आसपास जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उनसे लीजिए, रजिस्टर्ड करके विदाउट बिल के आप प्रोडक्ट मत दीजिए, कंपनी ऐसा बिल प्रोवाइड करिए आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो जैसा कि MRP इसकी है 5441 रुपये 5 लीटर की, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 5085 रुपये में मिलेगी, उसके साथ जो पॉइंट जमा होगा उसके बाद भी जब नेक्स्ट टाइम परचेस करेंगे तो उसमें भी पैसा आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर ML की बात करूँ 5 ml की कॉस्ट पड़ती है 5.85 रुपये प्रति पंप। ये है अपसाइटी का फ़ायदा। आई होप कि ये वीडियो में, उम्मीद है इस वीडियो में आपको MBA का अपसाइटी से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी कि मुझे कैसे लेना है, कब लेना है और किससे लेना है और कहाँ से लेना है, ये आपको मिल गई। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड ऐसे ही टॉपिक मैं लेके आता रहूँगा, तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए एंड
अपने भाई बंधु जितने भी फ्रेंड है जो भी आप साइट यूज करते हो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी आंखें खुले। और कभी भी सस्ते प्रोडक्ट मत कीजिए, सस्ते प्रोडक्ट कभी भी अच्छे नहीं होते और अच्छे प्रोडक्ट कभी भी सस्ते नहीं मिलते। तो हमेशा ही अच्छे वेबसाइट से www.mway वेबसाइट से लीजिए या किसी ऐसे नियरेस्ट जो भी एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर उससे बिल लीजिए, जिससे कि आपको फ्रॉड ना कर सकें। मुझे नहीं पता ये जिस मुंबई में ये पर्सन रहते हैं तो वो कैसे बेचते हैं, आई डोंट नो। तो आप प्लीज़ बिल लीजिए और अच्छे प्रोडक्ट लीजिए और हमेशा अपसाइटी का इस्तेमाल करके अपने खेतों को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।